हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू एन चैनल। सो गाइस सर, आज अपन फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमोन गायब और जिंक्स। सो गाइस सर, अगर अपने में लास्ट वाली वीडियो देखी हो तो आप सबको पता हो कि लास्ट टाइम अपन जो सीरियस सिटी है यानी कि अपन इस सिटी में अटक चुके थे। सो अपन को ना गाइस एक स्टेप आपने कंप्लीट नहीं किया था, मतलब कि जो प्रोफेसर ने अपन से कहा था, प्रोफेसर ने अपन से ये कहा था कि जो ना इसके अंदर इस सिटी के अंदर अपन को एक केव ढूंढनी है, बट मेरे को लगा था कि जो केव है वो नेक्स्ट सिटी में। सो और केव जो इधर ही है, लेकिन वो केव के पास जाने से पहले गाइस जो अपना नेटोडियन पोकेमोन है उसे अपन को अपने पार्टी में ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज उसको ना गाइस अपन ने एक मूव सिखाई थी कट, जो फर्नांडियो या का जिम लीडर उसके ग्रैंडपा ने अपन को दिखाया था। सो आपको याद होगा वो। सो गाइस यार, अभी चलते हैं बाहर। लेकिन एक मिनट गाइस, मैं आपको ना अपने पोकेमोन से मिलाना भूल गया। मैंने शाइनेक्स को कैच किया था लेवल 6 पे या कुछ, उसे मैंने इवॉल्व कर लिया है कुछ लेवल 13 पे। सो गाइस अभी चलते हैं केव की तरफ पे। सो जो केव निकली है ना गाइस, आप जो अपन यहाँ पे आए थे इस सिटी में उसके बाजू में, मैं उसे इग्नोर ही कर रहा था, मतलब कि मेरे को लगा नहीं था यहाँ पे केव होगी, लग यहाँ पे है। एंड गाइस यार, आपके पास अगर कट ना आपने किसी पोकेमोन को सिखाया नहीं है तो आपको कट सिखाना बहुत जरूरी है। तो आकाश, ओके। सो गाइस यहाँ पे प्रोफेसर आए हैं, एंड दैट लुक लाइक द एग्जिट वी आर वेयरिंग लुकिंग फॉर। आई विल गो एंड गेट गैरी। ओके सर जी। तो गाइस सर, अभी गैरी भी आने वाला है एंड अपन अभी अर्चनल टर्न में आ चुके हैं। हो, हैव आई नेवर फाउंड दिस बिफोर। ओके गैरी, एंड दिस टैबलेट इज अ फैसिनेटिंग, इट्स लुक लाइक अ लॉट लाइक द वन इज अर्चनल टाउन, डजंट इट? And this is a glass at the base. This seems familiar. I remember now, an old friend of mine used to study this language. His name is Herschel, a Pokemon trainer too. And if we are going to untranslate this tablet, we are certainly need him. And last I heard, he was in a headed to an Arceus city to calculate his museum. There are two of two you should go and find. All right, Akash, I will be raised to an Arceus city. ओके सो गाइस, जो गैरी था वो चला चुका है अर्शियस सिटी के तरफ पे। एंड ये क्या बोल रहे सर जी? ओके सो गाइस सर, आप उनको ना अर्शियस सिटी में यानी कि एक इनके फ्रेंड है रेडवुड प्रोफेसर के एक सर है, आप उनको उससे ढूंढना पड़ेगा, वो म्यूजियम चलाता है। लेकिन एक मिनट गाइस, ये जो रॉक है आप उनसे अभी फिलहाल नहीं कट कर पाएंगे ना। एंड या गाइस, आप अब इसको फिलहाल तो नहीं कट कर पाएंगे। कोई नहीं बात, अपन तो अभी सीरियस जो विलेज है, सीरियस विलेज यानी कि अपना जो गैरी है उसका होम टाउन में नहीं विलेज, आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ। लेकिन गाइस अभी अपन को एकदम दौड़ दौड़ के जाना है अर्शियस सिटी के तरफ में, एंड वहाँ पे एक म्यूजियम है उसके अंदर जो इनका प्रोफेसर की जो फ्रेंड है वो काम करते हैं। सो अपन को ना उनको ढूंढना है एंड उनको जो लैंग्वेज है वो रीड करने आती है। सो उनके पास अपन को फटाफट से चलना है। तो अर्शियस सिटी का ना यही से मैप है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे जो वो था ना लास्ट टाइम अपन को जाने नहीं दे रहा था, वो यहाँ से आराम से जा चुका है। सो उस वजह से कैसे अपन यहाँ पे आ नहीं पा रहे थे उस केव के वजह से। सो यहाँ पे एक पोकेबॉल पड़ी है एंड वो यहाँ पे सुपर रेपल पड़ी है, तो काफ़ी सही यहाँ पे सुपर रेपल मिली। और क्या चाहिए यार, वो भी सुपर मिला यार, सही में मज़ा आ गया। स्नोबॉल यार नहीं है मेरे को, आप भी नहीं कैच करेंगे, बाद में फिर कभी अगर मौका मिले तो कैच करूँगा। एंड ओके सो यहाँ पे कैटरपी एम्बर से फेंट हो जाएगी, एंड नेक्स्ट मैं शाइनेक्स को निकालता हूँ गाइस, एंड चार्ज नहीं स्पार्क यूज़ करता हूँ। सो इसी के साथ में सुरक्षितता वो फेंट हो चुका है बड़े इजी तरीके से। सो या गाइस, बड़ा इजी मैच था है, एंड अपन को जाना है अभी अर्शियस सिटी की तरफ पे। तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से रूट एंड शाइनिक्स। ओके सो अपन नहीं है शाइनिक्स, बाद में तो बाद में मिलियो मेरे को। लेकिन यहाँ पे है जिया मियाँ शायद से, एम्ब्रेल में तो जिया मियाँ ही होती है, लेकिन इसके अंदर कौन सी जो ट्विन से मुझे पता नहीं। लेट्स सी इनका नाम भी क्या है। ओके सो इनका नाम क्या है, लिसा एंड लोइस। ओके सो फ्लिचलिंग एंड फ्रेंगुल्स, ओके डैट वॉज नाइस। सो मैं अगर ना एम्बर जो है मैं फ्लिचलिंग के ऊपर यूज़ करता हूँ, एंड इसका जो स्पार्क है मतलब कि वो ना मैं विंगुल के ऊपर यूज़ करता हूँ, दोनों एक शॉट में फेंट हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से। तो एंड फिशलिंग तो फेंट हो चुकी है गाइस एम्बर से, एंड इसी के साथ में विंगुल भी फेंट होने हो जानी चाहिए एकदम आराम से। एंड या गाइस, क्योंकि ना एम्बर और जो इलेक्ट्रिक सिटी का जो पावर, मतलब कि इलेक्ट्रिक जो पावर होता है वो इफेक्टिव होता है, मतलब कि जो अपने बर्ड टाइप पोकेमोन होते हैं ना वो लोग के ऊपर काफ़ी इफेक्टिव होता है। एंड ओके सो यहाँ पे भी एक ट्रेनर है, एंड इसके पास है लिलीपप। सो लिलीपप के लिए मैं मैचअप डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, मैच पंच सॉरी। एंड चैन भी अपना लेवल 16 पे ग्रो कर गया है, क्या वो काफ़ी सही। एंड वो चैन एक मूव सीख रहा है फ्यूरी सिर्फ, सो मैं ये टॉन्ट के साथ डायरेक्ट रिप्लेस कर लेता हूँ, बिकॉज टॉन्ट का तो अपना कभी कभार यूज़ होता है, वरना मैं कभी यूज़ भी करता नहीं टॉन्ट का। सो ओके सो नेक्स्ट पोकेमॉन में शाइनिक्स को ही निकालूंगा, बिकॉज शाइनिक्स को भी इवॉल्व करेंगे अपन। एंड मैं स्पार्क यूज़ कर लेता हूँ, एंड टेलो वन शॉट में फिट हो जाएगी, देख लेना।
एंड इसी के साथ में गाइस टेलो वन शॉट में फेंट हो ही जाएगी। एंड मैं बोला था गाइस बिकॉज जो अपना इलेक्ट्रिक एंड जो फायर होता है ना गाइस, सो जो पोकेमोन होते हैं ना जो फ्लाइंग टाइप, उनके ऊपर काफ़ी इफेक्टिव होता है। एंड इसी के साथ में गाइस ये जो बंदा था वो हार चुका है एंड यहाँ से जाता है कि सिटी, नहीं यार ये तो अपन वहीं पे आ गए यार, मतलब कि यहाँ से अपन यहाँ से जाते तो भी यही रास्ता पड़ता, बट ओ वहाँ पे एक ट्री है ना, एक मिनट इसमें बात कर लूँ। आर्ट मास्टर मिशन इस अपीयरेंस दे ऑल ट्रेन स्मिगल्स विच दे रेस टू यूज डिफरेंट, लेकिन मुझे वो ट्री के अंदर क्या है एक मिनट देख लूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे है ट्रेनर, फ्रॉम बिहाइंड माई कटिंग डिस्कसिंग आई इमर्ज। ओके सो तेरी जुबेट की टांग मारू, मेरे को मैच पंच यूज़ करता हूँ, नहीं एम्बर यूज़ कर लेता हूँ, फेंट हो जाएगा यार, फ्लाइंग टाइप है ना जुबेट भी, काफ़ी सही। सो अभी मैं टेलो का बाहर निकलता हूँ बिकॉज टेलो को भी इवॉल्व करना है मेरे को। एंड या गाइस इसके साथ मैं आपको ना एक बार क्विक अटैक यूज़ कर लेते एंड जुबेट तो फेंट कर दिया आपने। सो ये ट्रेनर है क्या बंदा, द येलो शर्ट स्टूडर मस्ट बी एन हाइकर और वाई एल्स रॉक क्लाइंब्स टू एंड फॉर होम। ओके बंदे कोई बात नहीं, तो ट्रेनर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ओ स्टारली सो स्टारली जो है आगे चल के स्टारे विया में कुछ इवॉल्व होती है ना, हाँ स्टारे विया में इवॉल्व होती है कुछ, उसके भी थ्री फॉर्म्स है। सो हे अंकल जी नमस्ते, सो अंकल जी के पास है ऑथर एंड एम्बर, वो उसने तो बहुत ही हेल्थ खा गया। सो कोई नहीं, इस बार मैं एम्बर यूज़ कर लेता हूँ, इसको फेंट कर देता हूँ, काफ़ी सही यार, मतलब कि बहुत सही। सो यहाँ पे बॉल पड़ी है, इसके अंदर शायद से अपन को, ओ मुझे लगा ही था TM12 मिलने वाला है, मतलब कि TM मिलता है गाइस इसके अंदर, मैंने नोटिस किया, अगर यहाँ पे येलो बॉल अगर गिरा हो ना तो उसके अंदर अपन को ना TM मिलता है, मींस कि लास्ट टाइम जब अपन वो बॉल लेने गए थे, अपन कौन सा विलेज था वो फॉरेस्ट ही रहता, गोस्ट टाइप फॉरेस्ट टाइप पे, वहाँ पे ना गाइस अपन को एक हिडन पावर करके कुछ HM मिला था। एंड अभी यहाँ पे अपन को TM मिला है जो काफ़ी सी TM12। एंड यहाँ से यहाँ पे शायद से कुछ तो हो रहा है, एक मिनट में देख लूँ इस लड़की से बात करने के लिए, एक मिनट सुन, ये सुन ना, ये नहीं यार लड़की भाव खा रही है तो जाने दो, कोई बात नहीं। एंड ये क्या चीज़ है, आर्ट मास्टर विंसेंट इज प्रिपेयरिंग द इस आर्ट क्लब एंड प्लीज ज्वाइन द क्यू इफ यू वॉन्ट टू बी अ फर्स्ट हिज पार्ट। अगर मैं क्यू को ज्वाइन करूँगा तो फर्स्ट कैसे देखूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं देख लूँ एक बार यहाँ पे क्या चीज़ है मतलब कि। एंड हे सर जी, यो दिस प्लेस इज आउट ऑफ बाउंड एट सॉरी स्मॉल फेरी। ओके ओके कोई बात नहीं, अभी गाइस यहाँ पे मुझे ना म्यूजियम को ढूंढना है। सो ये रहा म्यूजियम, ये है क्या गाइस, यार एक मिनट, म्यूजियम जाने से पहले ना मुझे अपने पोकेमोन को हील करना पड़ेगा, यही है अर्शिया सिटी म्यूजियम, लेकिन उससे पहले मुझे पोकेमोन को हील करना पड़ेगा तो अपन यहाँ पे आएंगे, बिकॉज जो मेरा मतलब कि क्या नाम होता है इंफरनेप ही बोल लो, फ्यूचर पोकेमोन है वो फेंट नहीं होना चाहिए बिकॉज उसकी हेल्थ जो है काफ़ी गई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही गई आप बोल सकते हो। सो गाइस यार अब भी चलते हैं अपन उस म्यूजियम की तरफ, लेकिन उससे पहले गाइस मैं एक बार इस सिटी को एक्सप्लोर कर दूँ वो काफ़ी सही रहेगा, बिकॉज मुझे सिटी अगर एक्सप्लोर करेंगे ना तो जैसे कि अभी यहाँ पे रेटर है जो अपने पोकेमोन को निकनेम दे सकते हैं, यहाँ पे मैं याद रखूँगा, अगर किसी पोकेमोन को अगर मेरे को निकनेम देना होगा ना तो मैं यहाँ पे जरूर आएगा। सो ओके सो इसके ऊपर अपना मैच पंप कुछ इफेक्टिव नहीं है, सो एम्बर यार सही में। सो इसी के साथ में जो स्नू बोलती है वो फेंट हो चुकी है एंड अभी मैं टेलो को बाहर निकालता हूँ, फोकस एनर्जी एक बार यूज़ कर लूँ एंड उसके बाद में अगर मैं विंग अटैक यूज़ करूँ ना तो काफ़ी सही यार। अगर आप ना टेलो को यूज़ कर रहे हो गाइस गेम के अंदर तो फोकस एनर्जी जो है उसको अभी मत निकालना, बिकॉज अगर उसके पास कोई अच्छा मूव आता है ना तभी फोकस एनर्जी को रिप्लेस करना, बिकॉज ना फोकस एनर्जी जो है ना अपने जो नेक्स्ट वाला अटैक आने वाला है ना मूव उसकी ना एकदम से बहुत ही लेवल बढ़ा देती है यार, सही में बहुत ज़्यादा ही डैमेज देता है फोकस एनर्जी के मैच से। एंड ओप्स हाउस, ओके सो ये ओपोस कुछ ओप्स क्या ओपोस चलो ओपोस बोलते हैं इसको। एंड हे माय नेम इज ओपोस एंड आई स्पेशलिस्ट इन इनवर्स बैटल, इन दिस स्पेशल बैटल मोड द रूल्स ऑफ अ टाइप मैचेस इन इनवर्स, सो शैल वी इनवर्स बैटल, या ऑफ कोर्स ब्रो डोंट होल्ड बैक। नहीं यार मैं तेरे से क्यों डरूं, तेरे को तो मैं ऐसे ही फेंट करूंगा यार, ऐसी यू चुटकियों में फेंट कर दूंगा तेरे को मैं। सो तेरे लिए तो मेरा एम्बर काफ़ी रहेगा एंड डैट वॉज वेरी इंप्रेसिव। तो इसी के साथ में एक स्केच यूज़ करते हैं एंड इसको फेंट हो गया। सो अभी शाइनेक्स को निकालता हूँ, ओ मैं गलत पोकेमोन निकाला क्या, लेकिन अगर ओ नहीं गलत नहीं निकाला, काफ़ी सही। इसी के साथ मैं टैकल यूज़ करता हूँ एंड फिर से टैकल यूज़ करता हूँ, सो इसे भी फेंट कर दिया आपने शाइनेक्स ने। सो अभी बारी आती है अपने टेलो की, सो टेलो भाई ओ गोल्ड्रा, ओके ग्लूमी है लेकिन आगे चल के गोल्ड्रा में इवॉल्व होती है आप सब जानते होंगे। सो विंग अटैक एक बार यूज़ करें एंड इस ग्लूमी को फेंट कर देते हैं,
डेट वॉज नाइस यार, सही में सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है गुड्डर अभी, एंड या इसी का तो वेट था गाइस यार। एंड अपना शाइनेक्स इवॉल्व हो रहा है लक्सियो में काफ़ी से यार, व्हाट शाइनेक्स इज इवॉल्विंग यार, सही में मजा आ गया यार सही में। एंड इसी के साथ में गाइस यार अपना जो शाइनेक्स था इवॉल्व हो चुका है लक्सियो में। एंड यस दैट वॉज ऑसम मैन, शाइनिक्स को मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है एंड मुझे काफ़ी सही लग रहा है शाइनिक्स। आई फर्स्ट ऑफ बैटल आई कैन सी द फ्यूचर, ओके सो तो ऐसे मैं फ्यूचर में बैटल करूंगा, बट अभी तो मुझे आगे जाना है। एंड गाइस वहाँ पे बॉल थी शायद से, तो मैं बॉल को ले लूँ एंड चलते हैं अभी आगे। ओ यहाँ पे आपको उनको हर्बर मेल मिला है, लेकिन आपको चेक करेंगे बाद में क्या है वो हर्बर मेल वगैरह। लेकिन यहाँ से आप उनको अभी आगे जाना है उस म्यूजियम की तरफ से एकदम से दौड़ दौड़ के। लेकिन एक बार मैं इस घर को नहीं चेक करता, जाने जाने कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे पोकेमोन सेंटर में जाओ, चलो चलते शायद से, चलो चलना ही पड़ेगा यार, बिकॉज पोकेमोन अगर हील नहीं होंगे एंड आपको म्यूजियम में जाके अपना कचरा हो गया तो वहाँ पे अगर ट्रेनर हो गया एंड अपना कचरा हो गया तो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा सब दांव पे लग जाएगी ना। तो आपको जाना ही पड़ेगा अभी म्यूजियम में, एंड वहाँ के जो भी पोकेमोन ट्रेनर होंगे ना आप उन सबकी चटनी कर लेंगे। एंड क्या पुलिस मैन है क्या? द एलिस म्यूजियम इज हैविंग अ एग्जिबिट, यू डोंट बिलीव मी, हम यू आर अ ब्रिलियंट काइल, आई मेक यू पे। ओके यू नाटू को लेके आया तू मेरे को फेंट करने के लिए, सो नाटू मेरा एम्बर में फेंट हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, स्क्रैच में ओके, स्क्रैच इफेक्टिव था लेकिन उसने अपनी हेल्थ भी बहुत खाई है। अभी टेलो की बारी आती है एंड टेलो आया तो मैं विंग अटैक एंड मैं अभी फोकस नहीं क्विक अटैक यूज कर लेता हूँ। एंड दैट वॉज ऑसम मैन, मतलब कि फेंट। ओ मैन दिस इज बैड, आई गॉट टू टेल द बॉस। ओके सो तू अपने बॉस से कंप्लेंट कर एक बार, लेकिन मैं देखूँ ये क्या चीज़ है एक बार। इट इज़ अ फोटो ऑफ सम, ओके समझ गया मैं। हेलो वेलकम टू द ऑरिशियस म्यूजियम, इट सीम्स यू आर टॉप फ्लोर हैज बीन रिटर्न, वेल सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय। ओके सो गाइस सर ऊपर किडनैपिंग हुई है, सो चलते गाइस क्या सीन है देख लेते हैं अपन। एंड डोंट लुक एट मी लाइक दैट। ओ तो ये दूसरा ग्रुप मिस्टीरियस ग्रुप हुट हुट को बाहर निकलता है, इसके लिए अपना एम्बर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा मेरे ख्याल से। सो मैच पंच एंड इस बार स्क्रैच, सो हुट हुट फेंट हो चुका है। एंड अभी बारी अपने सेकेंड पोकेमोन की यानी कि लक्सियो की, अभी इवॉल्व होता है यार। तो अभी मैं स्पार्क नहीं टैकल, सो स्पार्क एंड दैट वॉज ऑसम, नाटू हो गया फेंट, नाटू बन गया, समझ गया आप लोग। एंड यहाँ से अपन को अभी आगे जाना है, बट मैं पोशन यूज़ करता हूँ गाइस, बिकॉज ना मतलब कि जो अपना चैन उसकी हेल्थ बहुत गई है, सो वन मोर टाइम पोशन यूज़ करना पड़ेगा। सो या गाइस इसी के साथ में अभी चलते हैं आगे। एंड यहाँ पे है सेकेंड, हाउ डिड यू गेट अप हियर? चल चल के यार अपने पैरों से चल के आया मैं ऊपर, लेकिन अभी मैं यहाँ पे फिर से मैं अगर मैच नहीं एम्बर से ही फेंट हो जाएगा, मैच पंच की जरूरत नहीं है। एंड मैच पंच अपने में से काफ़ी से अटैक है यार। यहाँ पे है फोर्थ ग्रुम्ट, डू यू नो मी हु आर न्यू एल्डर? तो मैं क्या करूँ, तू कोई भी हो आ जा बैटल कर मेरे साथ। एंड इसके लिए तो अपना मैच पंच, सो वन शॉट में फेंट हो गया, तू कोई भी हो तू अपने वन शॉट में फेंट हो गया यार, क्या बोले तेरे को, तू कचरा तू। एंड यहाँ पे क्या, एक मिनट में देख लूँ, इट अरे वही है। सो एंड देट इज अवर मैन प्राइवेटी, our help would be an enable. I'm already give you my answer. I would be not of product to ask again. I feel I have not to explain myself properly. Moms, the child I was talking about is here. Don't interrupt. It was clear I won't be an visit at you at time soon. Thank you for every time we are finished here. Oh, good day, child. I presume you to shot that. If you are curious, those people shot a ridiculous fantastic cake and I want to know involvement and I hope you don't mind me asking, but I that a redwood card you have your project on your jacket. Oh yeah. So it is oh how extraordinary, Charles. And Professor Redwood is a great friend of mine. The word that she sends you, personal dollar, the old language show interpreting, and how would I would help you very much. And I wait for you to exit Ulster City. We can go together. I shall see you there.
ओके सो सर जी, मैं आपको वही पे मिलता हूँ। सो गाइस अब भी आप उनको जाना पड़ेगा म्यूजियम में, लेकिन उससे पहले मैं आपको देखना पड़ूंगा। एंड हाँ गाइस, यही म्यूजियम है, बट वो जो म्यूजियम है ना, अपना आर्ट म्यूजियम जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, वहीं पे जाना है आप उनको। सो चलते हैं फटाफट से। अभी मैं पोकेमोन को हिल बिल नहीं करने वाला, बिकॉज यहाँ का पोकेमोन सेंटर है वो बहुत दूर है, सो मैं नहीं करने वाला। लेकिन अभी तो मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा आगे, एंड यहाँ से स्ट्रेट जाती यहाँ पे आप उनको मिल जाएगा आर्ट म्यूजियम। सो ये रहा गाइस आर्ट म्यूजियम। सो लेट्स सी यहाँ पे आप उनको ट्रेनर मिलते हैं कि नहीं। सो एक मिनट गाइस, आपने पोकेमोन तो सब ही ले, तो कोई बात नहीं, मैं पोशन यूज़ करने वाला था। एंड यू डोंट अंडरस्टैंड आर्ट पंक, ओके। सो यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ पेंटिंग ऑफ कैलोस रीजन प्रिज्म टावर। ओ डैट वॉज नाइस यार, मतलब कि डैट नाइस। सो ये वाली कौन सी पेंटिंग होगी जो ये वाली साइड में। सो एक मिनट, इट इज़ अ पेंटिंग ऑफ अ क्लेडॉल। ओके सो क्लेडॉल पोकेमोन है, काफ़ी सही। एंड इससे बाद में बात करेंगे यार, आप फिलहाल तो मुझे सर से बात करनी है। एंड ओके सो गाइस सर, आप उनको ये सब छोरियों के साथ बैटल करके आगे जाना पड़ेगा। सो स्मिगल मैचम के साथ पेंट चैन, अपना सब पे भारी यार, अपना चैन सब पे भारी। एंड अपने इसी के साथ में चैन लेवल 19 पे, एंड वो सीख रहा है एक न्यू मूव यानी कि फ्लेम फील। तो फिर मैं फर्ब स्विप के साथ चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज उसकी पावर बहुत कम है। सो इसी के साथ में गाइस, अपना जो चैन है उसने सीख लिया है फ्लेम फील, वो काफ़ी सही है यार। सो गाइस अब चलते हैं आगे, एंड यहाँ पे है अपनी सेकेंड ट्रेनर। सो अभी वेंसेंट जो यहाँ के पेंटिंग मास्टर है, तो उसके साथ अपन को जाने के लिए आपकी और 3 पोकेमोन बाकी हैं उनके साथ बैटल करने के लिए। एंड ये स्निगल भी आराम से फेंट हो जाएगी अपने स्क्रैच में। सो इसी के साथ में अपन ने गाइस जो सेकंड ट्रेनर थी गुरुजी की शिष्य, उसे भी फेंट कर दिया है। सो अब आती है अभी थर्ड की। सो लेट्स सी, इसके पास भी स्निगल है, आप सबके पास शायद से स्निगल ही है। सो अभी मैं लक्सियो को बाहर निकालता हूँ, लक्सियो आया तो स्पार्क ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सो अभी टैकल की बारी, इसी के साथ में ए स्निगल फेनेट। सो लास्ट ट्रेनर एंड आई एम चार्जिंग अप, ब्रिंग इट ऑन। सो स्निगल तेरे लिए तो मैं शुपिट को बाहर निकालूंगा, एंड मुझे लगता नहीं शुपिट इतना पावरफुल होगा इसके अगेंस्ट। लेट्स सी नॉफ ऑफ से, इसकी हेल्थ थोड़ी सी गई है, ज़्यादा नहीं गई है, एंड अपनी बहुत ज़्यादा गई है। सो मुझे लगता है अपना शुपिट जो है फेंट हो गया यार, लगता है क्या हो गया। सो अभी बारी आती है अपने ना टेलो की, टेलो को निकालना पड़ेगा बिकॉज उसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहा, उसे मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करूँ। लेकिन यार गाइस, अपनी टेलो भी लेवल 16 पे ग्रो कर गई है यार, सही में। एंड गुड डे चैलेंजर, यू आर नो डाउट वंडरफुल हाउ आई एम, दे कॉल मी द अर्थ मास्टर विंसेंट, मीन्स कि आग से निकाल के खेलूंगा गोटी, क्राइम मास्टर गोगो। ऐसे लगा मेरे को, यू वर्क आउट डीप पर्सन दैट वर्ड ऑफ शो, आई लव आर्ट, सो आई शेयर दैट सम पैशन फॉर अ पोकेमोन बैटल, इट इज़ अ टाइम टू शो यूर ट्रू कलर्स चैलेंजर। दिखाओ अपने कलर, अब भी रंग दिखाओ बस अभी। आर्ट मास्टर विंसेंट सेंट स्मिगल, सो स्मिगल तेरे लिए तो मेरा एम्बर या नहीं मैच पंच फेंट हो गया, गुड जॉब। सो अभी सेकेंड में लक्सियो को निकालता हूँ। सो लक्सियो बाहर आया तो मैं स्पार्क जरूर करूँगा। सो इस बार मैं स्पार्क करूँगा बिकॉज टैकल से इतनी हेल्थ जाती नहीं है, स्पार्क से बहुत ज़्यादा चली जाती है। सो दैट्स नाइस। सो अभी बारी आती है अपने टेलो की, बिकॉज शुपिट तो अपना फेंट हो चुका है, उसे मैं बाहर निकालने वाला नहीं हूँ। एंड जो नेटवर्ड ने उसे तो बस मैंने अपने एक ही चीज़ के लिए कैच किया है, वो है कट, बस और किस चीज़ के लिए नहीं, उसको मैं ज़्यादा यूज़ करने वाला नहीं हूँ। एंड शायद से उसको मैं इवॉल्व करूँगा या फिर नहीं भी करूँगा, अगर मैं इवॉल्व कर सका तो काफ़ी सही हो जाएगा उसे अगर मैं यूज़ करता हूँ। सो कोई बात नहीं गाइस, वो तो फिलहाल अभी लेवल 3 पे, बट यहाँ पे अपना टेलो एक मूव सीख रहा था डबल टीम, वो उसे मैं नहीं सिखाने वाला बिकॉज मुझे फोकस एनर्जी सही लगती है डबल टीम से। सो अभी मैं चैन को फिर से बाहर निकलता हूँ, एंड इस बार मैं फ्लेम विल ट्राई करता हूँ। एंड गाइस, इसी के शॉट में वन शॉट में ये वाला स्मिगल फेंट हो चुका है। सो अभी 2 पोकेमोन बचे हैं। सो अभी मैं टेलो को फिर से बाहर निकालता हूँ, एंड इस बार मैं विंग एट नहीं, फोकस एनर्जी पहले कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपन विंग अटैक ट्राई करेंगे बिकॉज वन शॉट में फेंट करना है। ओके नहीं हुआ, कोई बात नहीं टेलो, अपन अभी यूज़ करेंगे क्विक अटैक। एंड इसी के साथ में गाइस, जो स्मिगल था आराम से फेंट हो चुका है, एंड अभी बचा एक स्मिगल। सो एक स्मिगल के खिलाफ में फोकस एनर्जी एंड वन सेकेंड विंग्स अटैक,
सो ओके इस बार ज़्यादा अटैक नहीं बटा बट अपनी टेलो फेंट हो गई यार। सो इसका बदला लक्सियो लेगा। सो लक्सियो चल फेंट कर दे इस बंदे को, चल तू कर सकता है। एंड ओके सो इसको फ्रोजन हो गया है। स्मिगल के पास ये भी एबिलिटी होती है क्या, मतलब कि आइस टाइप वाली? मुझे लगा था बस फायर टाइप वाली होती है, आइस टाइप वाली मुझे पता नहीं था। बट कोई नहीं, इस बार तो स्मिगल फेंट हो जाना चाहिए, उसको पैरालाइज भी हुआ है। एंड दैट वॉज वेरी ऑसम गाइस, जो स्मिगल था वो बड़े आसानी से फेंट हो गया, मतलब कि बहुत आसानी से फेंट हो गया, मतलब कि बहुत ईजी तरीके से। सो उसने अपने टेलो को फेंट कर दिया बिकॉज उसकी हेल्थ कम थी, उसका उसके पास एडवांटेजेस था, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ दैट वॉज अ ब्यूटिफुल डिस्प्ले, आई एम इथरल, आई मस्ट बी एंड अवॉर्ड एंड आई ओनली ट्रेन अ स्मिगल, द वैरायटीज ऑफ मूव दे कैन बी ब्यूटिफुल टू मी, आई रिसेंटली ऑब्टेन अ गिफ्ट फ्रॉम अ फैन टू मी, ट्रूटली आई हैव टू यूज दिस श्योर आई विल बी बेटर एक्सेप्ट इंसेट एंड हो दैट ऑसम गाइस। सो अपन को ना इस विंसेंट ने एक पोकेमोन एग दिया है, सो अपन को उसका यूज करना है अभी। फिलहाल तो मुझे उस पोकेमोन एग में क्या मिलने वाला है मुझे नहीं पता। सो अगर आपको पता है तो गाइस यार कमेंट में कॉमेंट जरूर कर देना, कॉमेंट जरूर कर देना। सो सबसे पहले तो आपको दिखा दूँ अपना एग। सो यहाँ पे होता है, नहीं यहाँ पे नहीं, पोकेमोन में होता है ना, बैग के अंदर नहीं। सो ये रहा गाइस, ये रहा एग। सो यही है अपना एग फिलहाल सा छोटा सा। सो इसे मैं स्विच कर लूँ चैन के साथ में, फर्स्ट नंबर पे स्विच कर लेता हूँ। सो कोई बात नहीं गाइस यार, मतलब कि एक बार मैं देख लूँ इसकी समरी तो देखना ही भूल गया अपन। एंड ओके 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 गाइस, जो ये एग है वो जल्दी, मतलब बहुत जल्दी होने वाला है, मतलब कि हैच होने वाला है। सो गाइस यार अगर आपको पता है कि इसके अंदर से कौन सा पोकेमोन निकलने वाला है तो जरूर कमेंट जरूर करना। सो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो फटाफट से लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। एंड हाँ गाइस यार बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबसे पहले देख सको। सो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो बाय।